नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बीते रविवार को जयहिंद सेना प्रमुख नवीन जयहिंद रोहतक नगर निगम के अंतर्गत आने वाली महावीर कॉलोनी में पानी और सीवरेज की समस्या सुनने पहुंचे थे, जहां कॉलोनी वासियों ने नवीन जयहिंद को दिखाया कि कैसे 24 घंटे सड़कें सीवर के पानी से भरी रहती हैं। पूरी सड़क टूटी हुई है और सीवरेज से निकलने वाले गंदे पानी से हमें कितनी दिक्कतों और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलोनी के कुछ घरों तक पहुँचने का रास्ता भी नहीं है। नवीन जयहिंद ने सबूत दिखाते हुए कहा कि कॉलोनी वासियों ने इसकी शिकायत सीएमओ पब्लिक हेल्थ विभाग और डीसी कार्यालय रोहतक में की थी, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। इस दौरान नवीन जयहिंद ने कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास सोहलियान की रिपोर्ट। ये एप्लीकेशन ऑलरेडी दे रखी है, ये देखो, ये दिंगड़ा साहब ने दे रखी है, या दे रखी है, या शिकायत है, सीएम विंडो है, उसके बावजूद भी ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो, मैं तो कोई एमएलए ना, मैं कोई एमपी ना, मैं नहीं कुछ हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, इसलिए मैं वोट मांगने नहीं आ रहा हूँ मैं आप लोगों से, लेकिन एक सहयोग आपके लिए मांगने आ रहा हूँ। कल डीसी साहब ने बुलाया है, आप लोग जो 10-20 आदमी हैं डीसी साहब के पास आपको जाऊं, उसने कही भाई मैं करवाऊंगा, जब करवा दे ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों ने मेरे को एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। आखिर वो कूड़ा करकट आडे का जो विधायक है, चाहे पूर्व विधायक है, उनके घर के बाहर लेके चलना। एमएलए पूर्व एमएलए पूर्व तो मंत्री भी रह रहे हैं, उनके घर आए पूरा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और तेज मुक्का मारो एमएलए बीबी पत्रा साहब और पूर्व एमएलए मनीष ग्रोवर साहब, अगर इसका समाधान नहीं होता तुरंत, तुरंत का मतलब युद्ध सतर, ठीक है भाई, यूनियन कोई नुका देख जी 2 महीने में हो जा भाई, अगर शासन प्रशासन द्वारा अगर मजदूर नहीं हो तो भाई हम मजदूरी भी कर लेंगे, ये देख लो भाई हम मजदूरी भी कर लेंगे, अरे भाई अगर थार द्वारा रुपया नहीं हो तो भाई तुम कटोरा ठा लो, हम तुम ना पैसे ये देखो आप लोग, ये चलो ठीक है, आप लोगों की इतनी बड़ी परेशानी में भी आप लोग ये कह रहे हो, देख रहे हो, और इतने दिन तक 1 महीने तक इसने झेल रहे, एक रोया तो जमता नहीं हमारे से, तटिया वाला पानी पीने हम नोता बनके ना, आपने नहीं रोना है अरे इतने इतने मट्टे लगा के 5 दिन बंद रहे ना, सारा बाहर निकले ना अंदर, ये अरे बालक बीमार होने लग रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, नहीं है ना भाई पानी, शिविर सारा बंद पड़ा है। तो भाई हमने इस बात का ध्यान रख लेना, विधायक पूर्व विधायक है, हमने से जेसीबी लागे तेरे घर का भी शिविर पाड़ना पड़ा, ठीक है भाई, देखो मैं पहले बताऊं, मैं फिर कदे पाछे नु योग दे, बाद में ये मत कहियो कपाड़ी नाश करवाओगे, पहले बता दो मेरे तरीके थोड़े हो, परमिशन दे दिए, देखिए जाइए
कल डीसी साहब जो भी छियाने से हजार आदमी है, दो चार महिलाएं, दो चार आदमी, आप जाओ वहाँ, अगला अगले की जा आपकी अपनी नु ठोकती होगा भाई, ठीक है, कल अगला नुगे तो भाई पे काम शुरू करवाऊंगा तो है ठीक, नहीं तो यहाँ से चलेगी जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रेली में आप लोग बैठ के ये कूड़ा और जेसीबी चलेगी उनके घर का शिवर पाड़ पाड़, ठीक है, डरो नहीं हो, बीजेपी वाले भी हो, कांग्रेस वाले भी हो, लेकिन उससे पहले काम भी हो, वाले आप लोगों को समस्या ये वोट तो आप लोग किसी न किसी के जरिए है, वो कोई मतलब नहीं आना राजनीति का, हमारी समस्या है, हमारी समस्या कर दो समाधान, ठीक है, ठीक है, तो जो मैं इसलिए आना पड़ा आज आकाश अखबार मैं दे रखी उनने हमने बेराए नहीं है, तो अखबार तो उनके पास गए थे, काम उनके पास गए थे, पहुंचे थे, फोन किया था क्योंकि मैं घर खड़े खड़े जा रहा हूँ, एसडीओ एक्शन के पास नहीं जाना, सीधा डीसी के पास, डीसी के पास जाना, ठीक है, और कल समाधान अगला नहीं पाता है, अगला नहीं कह पाता है तो फिर हमने डीसी के पास भी नहीं जाना है, फिर हमने जाना है सारा कूड़ा करके ठा गए अपने जैसी भी लेके और फिर देखते हैं समाधान क्यों नहीं हुआ, ठीक है, है ना, ठीक है, रात को पांच पांच घंटे बिजली नहीं आती, कई सुनो आप मेरी बात सुनो माता रानी, जितने मेरे बड़े बुजुर्ग हैं आप लोगों को दो चार दिन तो देखो करड़ा होना पड़ा, बट ऐसा ना पावे आपके गवाह चुस्ते और मोदी सोचते सबसे आगे पाओगे, चिंता मत करो, सारे गंदा पानी पिए आपके कल जो गए थे हमारे बड़े बुजुर्ग माता बहने डीसी साहब के सामने आपके सामने, ठीक है, अगला करवा देगा, ठीक है, कल का टाइम अगले दो रहे हर, नहीं तो फिर इसमें नरक में रहना तो अच्छा है, देखो अपने पास दो ऑप्शन है, मेरी बात सुनो, बता दिया आपको सारा कूड़ा करके ठाक उड़े लेके चलना, ठीक है, और नहीं तो उड़े डीसी ऑफिस के सारे रेस्ट हाउस, फिर वहाँ अपने घर ने ताला लगा दियो और सारे उड़े रेस्ट हाउस में, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, क्या ठीक है ना, ऑप्शन है थार तोरे सारे रेस्ट हाउस में रखना, रेस्ट हाउस में रखियो, जा उड़ा उनका शिविर पाड़ना दे, जैसी भी साथ लेकर चल लेंगे, हाँ तो इसलिए सारे करने रही हो, बस मेरा मतलब यो है आप लोग करने, ठीक है, ये दो चार दिन की आपकी, दो चार दिन करना होना, ज्यादा नहीं कर रहा मैं, दो चार दिन करना होना है, नहीं तो फिर जिसे हम इसे अगला नहीं करते, और एक बात है बिल्कुल, और एक बार फिर सुन लो भाई, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, निगम वाले, एमएलए, पूर्व एमएलए, सारे नेतागण सब सुन लो, यहाँ काम युद्ध स्तर पर होना चाहिए, किस स्तर पर होना चाहिए भाई, रुका मार के बताओ क्या होना चाहिए, नहीं तो से पहले पहले अंकल जी आप केंद्र भगवान होगा, आपको पता है कबाड़ी कम, मैं 30 जून ने डूब गया था, मेरे पास राम जी सुनो सुनो, अरे अंकल जी के
मुंह ते गलती ते लगड़ी कह दो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।